काफी नाराजगी है सर उसको लेकर। दुखद घटना है, मेरी पूरी सहानुभूति संवेदना उन सब परिवारों के साथ है, उनके परिजनों के साथ है। गुस्सा सबके अंदर है, मेरे अंदर भी, लेकिन गुस्से के अंदर कोई चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं की जाती, हर चीज़ को सोच समझकर ठंडे दिमाग से किया जाता है। और मुझे पूरा भरोसा है हमारे देश के नेतृत्व पर कि वो हर चीज़ को सोच समझकर सही समय पर सही जगह पर इसका जवाब देंगे। ये माना जा सकता है कि शहादत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि उड़ी के बाद भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, क्या उससे भी बड़े कदम की उम्मीद करें? देखिए, मैंने कहा कि उचित कार्रवाई होगी, अब वो कदम बड़ा है छोटा है मंझले कद का है उसको छोड़ दीजिए। सर एक सवाल और, अंतर्राष्ट्रीय मंच पूरी दुनिया एक तरीके से भारत के साथ खड़ा है, आपने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है दुनिया से, यूएन से, कि मसूद अजहर को डिजिग्नेट किया जाए टेररिस्ट के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। देखिए, ऐसा है कि भारत अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आतंकवाद के खिलाफ सब लोग इकट्ठे होकर चलें, हमारा वही स्टैंड है और मुझे पूरी आशा है कि हमको उसमें सबका साथ मिलेगा।